नमस्कार दोस्तों, विनू किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है और चेंज होते मौसम में कई सारे वायरल, जुखाम, खांसी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेमेडी लेकर आई हूँ, खांसी के लिए स्पेशल है ये। आपको कैसी भी खांसी है, जैसे सूखी है, गीली है या फिर पुरानी से पुरानी खांसी है, कई लोगों क्या है ज़्यादा दिनों तक खांसी रह जाती है, वो भी इस रेमेडी से ठीक हो जाएगी। बिना दवाई के घर में ही हम इस नुस्खे को बना के तैयार करेंगे। और हाँ, ये रेमेडी मेरी नहीं है, ये अपने दादी नानी की तरीका है। छोटी मोटी बीमारियाँ जब बच्चों के हो जाती थी तो बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं लेके जाती थी, घर में ही सारी बीमारियाँ ठीक कर लेती थी। कोई ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती थी तब भी पहले हॉस्पिटल जाते थे, नहीं तो देसी नुस्खे इतने थे और अभी भी हैं, लेकिन अभी हम इतने यूज में नहीं लेते, तो उनसे घर में ही ठीक हो जाते थे, ना उनका कोई साइड इफ़ेक्ट होता था। तो ऐसा ही तरीका लाई हूँ आज मैं खांसी के लिए भी। और जो हमारे किचन में है सामान, हम उससे ही बनाएंगे। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट में ये काढ़ा बनता है, लेकिन खांसी 2-3 दिन में ही ठीक हो जाती है, कैसी भी खांसी हो। आप देखोगे, खुद ही इस काढ़े को लोगे, बनाओगे तो पता चलेगा आपको कि कितना असरदार है ये। तो चलिए हम काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 गिलास पानी डाल लेंगे। आप इसको गैस चालू करके गैस पे चढ़ा लेंगे। इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। ये मैं 1 मेंबर के लिए बना रही हूँ, इस हिसाब से आप देख लेना मेजरमेंट। जैसे 2 के लिए बनाओ तो 1/2 चम्मच हल्दी ले सकते हो, मैं 1/4 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 चम्मच काला नमक भी ऐड कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हो, लेकिन काला नमक ज़्यादा फायदा करता है। अब इसको हम धीमी आंच पे उबलने देंगे, गैस को तेज नहीं करेंगे, धीमा धीमा चलने देंगे, तब ये हल्दी का अच्छे से इसमें कस आएगा, तब ये असर ज़्यादा करता है। अब आप सब जानते हो, आपको पता ही है, हल्दी एंटीबायोटिक होती है। हल्दी से जो गले में खराश होती है वो भी ठीक होती है, गले में सूजन भी ठीक होती है, घाव हो जाए वो भी ठीक होती है, मुंह में जैसे छाले हो जाते हैं उसमें भी हम हल्दी लगाते हैं, खांसी, जुखाम, वायरल में भी बहुत फ़ायदा करती है ये, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। और घर में अगर एक के खांसी हो गई, जुखाम हो गई या वायरल हो गया, तो बहुत ही जल्दी ये सब लोगों में फैल जाता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है, मौसम चेंज हो रहा है। और आप खुद ही इसको जैसे ही लेंगे काढ़े को, तो खुद फ़र्क नज़र देखेंगे आप, सुबह ही आपको फ़र्क नज़र आएगा कि कितना मुझे आराम है। अब ये देखिए, आधा हो गया, इसको हम 1 गिलास में डाल लेंगे। छानने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमने हल्दी और नमक ही ऐड किया है। आप चाहो तो छान भी सकते हो, लेकिन हल्दी नीचे बैठ जाती है, तो मैं इसको 1 गिलास में डाल लूँगी। इसको आप बच्चों को भी दे सकते हो, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसको जैसे खाने वाली 1-2 चम्मच ही पिलाना, बाकी बड़े बच्चे को तो हम दे सकते हैं, 6-7 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको ये काढ़ा हम आराम से दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल भी नहीं देना, अगर आपके घर में प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी खांसी हो गई है, तो उसे नहीं देना ये, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह हम ये नहीं दे सकते, उसे हम डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। अब इसके लेने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमारा बलगम वाली खांसी जिसके है, गीली खांसी और या फिर जुखाम खांसी जिसके मिक्स हो रखी है, उसके लिए ये है काढ़ा, तैयार हो गया ये। तो इसको जैसे गरम गरम पीना है। पीना कब है? सोते टाइम, यानी खाना खाने का, जो भी आपको खाना है, खाना खाना है, दूध पीना है, पानी पीना है, सब पहले ही पी लेना। इसके पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना, बस मुँह ढक के सो जाना है। अब अगर आपके सूखी खांसी है, यानी कुछ भी नहीं है, जुखाम भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, बलगम भी नहीं है, बिल्कुल सूखी खांसी आती है कई बार, वो बहुत ही परेशान करती है, यानी वो सबसे खतरनाक होती है, गले में दर्द भी होने लग जाता है, चेस्ट में दर्द होने लग जाता है, उस खांसी में क्या करना है, इसी में जैसे हमने गिलास में छान लिया, इसमें 1/2 चम्मच देसी घी डालना है। गाय का हो तो बहुत ही बेस्ट है, गाय का नहीं हो तो आप भैंस का भी डाल सकते हो, लेकिन देसी घी डालना, इसको अच्छे से मिक्स करना, गरम गरम पीना, ओढ़ के सो जाना। आप देखोगे 2-3 दिन में ही आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, कैसी भी पुरानी हो। और आपको लगता है जैसे कि भाई खांसी ठीक नहीं हुई, थोड़ा सा रह गई है, थोड़ा बहुत और आ रही है आपको खांसी, तो इसको 2 दिन और ले सकते हो आप इस काढ़े को, चाहे आप सूखी खांसी के लिए ले रहे हो, चाहे बलगम वाली खांसी के लिए ले रहे हो, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना, 5 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लेना। 5 दिन से ज़्यादा लोगे तो ये गर्मी कर जाएगा, तो बस 5 ही दिन लेना है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।